वेलकम इन अकाउंटेंसी क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टुडेज टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ऑल फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यू। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ऑल forfeited share or reissue. Here is an example. L Limited forfeited 470 equity share of rupees 10 each, issued at a premium of rupees 5 per share for non-payment of allotment money of rupees 8 per share including premium and first and final call of rupees 5 per share. All the forfeited share were subsequently reissued at rupees 14 per share. Give journal entry to record. Here is working note. Face value is rupees 10, premium is rupees 5. Mention allotment in 8, first and final call in 5, but the rate of application is not given. How to calculate this one? 5 and 8, 13. 10 plus 5, 15. 15 minus 13, then we get 2. So the rate of application is rupees 2. Here the situation: 470 shares unable to payment in allotment and first and final call. Allotment and first and final call. So first I would like to inform you paid up during the introduction classes of forfeited share at reissue. All shares are reissue. I have many times used paid up. What is paid up? Here, a shareholder who is unable to payment of 470 equity shares in allotment and first and final call. Unable to payment in allotment and first and final call, that means here is allotment rate is 3, first and final is 5. 3 and 5 is not paid by the shareholder. And also he paid the application, that means rate 2. So paid up is 5 plus 3 plus 2, that means 10. Paid ups, one value of share is rupees 10. Is it clear? Here, a shareholder is unable to payment in allotment and first and final call. So calls in arrear, rate of allotment is 3, number of share 470, 1410. Rate of premium 5, number of share is 470, amount is 2350. So on allotment, not payment of 3760. Also, first and final call, rate is 4 and number of share 470, that means 2350. Zero amount is not paid by the shareholder. Here, not payment in allotment and first call, that means he has paid on application. So, यहाँ जो application में shareholder के द्वारा payment किया जाता है, उस amount को company seize कर लेती है, forfeit कर लेती है. तो अब हमको पता लगाना है कि जिसने 470 शेयर का पैसा अलॉटमेंट में नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं दिया, तो एप्लीकेशन में कितना दिया होगा, उसको हम यहां दिखाते हैं.
अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिट में। रेट है एप्लीकेशन का 2 और नंबर ऑफ शेयर जिसका पेमेंट उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में नहीं किया था, द नंबर ऑफ शेयर इज 470। दैट मीन्स 940 ही हैज ऑलरेडी पेमेंट ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में वो 940 पेमेंट कर चुका है। एप्लीकेशन में उसने 940 पेमेंट कर चुका है। ही अनेबल टू पेमेंट इन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, दैट्स व्हाई हिज शेयर वेयर फोरफिटेड। दैट मीन्स एट व्हाट अमाउंट इज फोरफिटेड, द फोरफिटेड अमाउंट इज 940 एंड दिस इज व्हाट, नॉट पेमेंट इन अलॉटमेंट, दिस इज व्हाट, नॉट पेमेंट इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जर्नल नंबर 1 एंट्री 4 फोरफिट ऑफ शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू फोरफिटर शेयर अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट, द सिचुएशन इज कंपनी के द्वारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट रिसीव नहीं किया गया एंड शेयर विल बी फोरफिटेड। कंपनी के द्वारा यहां आप देख रहे हैं नॉट पेमेंट और प्रीमियम का अमाउंट किसके साथ ऐड था, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं रिसीव किया, सिर्फ एप्लीकेशन का किया। तो ऐसा सिचुएशन जब कंपनी के द्वारा प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं करता है और शेयर फोरफिट हो जाता है, तो जब यहां पर हम फोरफिट के लिए एंट्री पास करते हैं तो यहां पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को दिखाएंगे। कब दिखाएंगे, जब कंपनी प्रीमियम अमाउंट को रिसीव नहीं करेगी और शेयर फोरफिट हो जाएगा। जब रिसीव नहीं करेगी तो जर्नल में दिखाना है और जब रिसीव करेगी तो जर्नल में नहीं दिखाना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पर जो हम लोग बार बार पेडअप की बात करते थे, पेडअप की, दैट मीन्स नॉट पेमेंट, नॉट पेमेंट, इसका मतलब ये हो गया कि आउट ऑफ 10 में 10 क्या है, पेडअप है। सो नंबर ऑफ शेयर इज 470 और पेडअप अमाउंट इज 10 पर शेयर, सो इट विल बी 4700। जब कंपनी नॉट रिसीव प्रीमियम अमाउंट है तो यहां पर दिखाते हैं 2350। यहां पर देखिए प्रीमियम का अमाउंट है 2350। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मतलब अलॉटमेंट में कितना पेमेंट नहीं किया गया, कितना नहीं किया गया, 3760। ठीक उसी तरह से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना नहीं किया गया, 2350। अब है फोरफिटेड अमाउंट, तो कंपनी कौन सा अमाउंट को फोरफिट की है, 940। सो दिस इज द जर्नल फॉर फोरफिट ऑफ शेयर। नेक्स्ट इज री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ फोरफिटेड 470। सिचुएशन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जितना भी शेयर फोरफिट हो गया है सारे को री इशू कर देना है। तो कितना फोरफिट हुआ था, 470 और हम लोग री इशू कितना कर रहे हैं, 470 और रेट क्या है, 14 है। तो अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 6580। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
470 और 10 क्या है, पेड अप है, पेड अप अमाउंट ऑफ वन शेयर 4700। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डिफरेंस पेड अप है 10 और री इश्यू कितना में किया गया, 14 में, तो डिफरेंस कितने का हो गया, रुपीज 4 का। सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट रुपीज 4 पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड 470 1880। री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर एट रुपीज 14 पर शेयर। हमने आपको पहले ही बताया है कि सिचुएशन एट पार या सिचुएशन एट प्रीमियम में जो हमारा फोरफिटेड अमाउंट है उसको टोटल अमाउंट को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो फोरफिटेड अमाउंट क्या है, 940, और ये सिचुएशन क्या है, शेयर कैसे इशू हुआ था प्रीमियम में। तो जब शेयर इशू होगा प्रीमियम में और एट पार में और ऐसे समय में अगर शेयर फोरफिच हो जाए तो जो हमारा फोरफिच अमाउंट है टोटल उस अमाउंट को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। यहां देखिए फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 940 फोरफिटेड शेयर प्रॉफिट ऑन फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। थैंक यू।